ढूंढने के लिए हमें टूल यूज करना पड़ता है. ओके, अब गूगल का टूल है, उसको बोलते हैं कीवर्ड टैनर. ओके, गूगल का जो टूल है, अब यहाँ पे आई विल टाइप कीवर्ड टैनर गूगल. आपको जाना चाहिए लो कंपटीशन हाई रेलेवेंस. ओके, रेलेवेंस अच्छा हो, उसके उसके नंबर ऑफ सर्चेस अच्छे हो. ओके, मान लेते हैं 1000 लोग सर्च कर रहे हैं और उसके 100 कॉम्पिटिटर्स हैं. एक जगह 100 लोग सर्च कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर 2 हैं, या फिर कॉम्पिटिटर 1 भी नहीं है, 0 कॉम्पिटिटर है. तो आई विल प्रेफर कि आप ये 100 वाले पे जाओ, क्योंकि इस 100 में से आपको कस्टमर को मिल जाएंगे, कन्वर्जन फिर जितने होंगे आगे की बात है. ये 100 लेकिन आपको देखेंगे जरूर. अब 1000 वाले में जहाँ पे 100 लोग या 200 लोग वहाँ कम्पीट कर रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपका दिखाई दे. ऐसा नहीं है कि आप गूगल को पे कर दोगे और आपका ऐड दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है. ये भी नहीं है, गूगल को पे करने के बाद भी गूगल आपका जो मैंने बताया टैगलाइन जो होती है, हेडलाइन, ओके, जो मेन लाइन है, अंदर का कंटेंट है, वो रिव्यू करती है, उसके बाद में आपका ऐड दिखता है. क्योंकि तो फॉल्स प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई है, तो बेसिकली वो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टाइम पे. ओके, ये कीवर्ड टैलेंट है, इसमें बैलेंस एग्जॉस्टेड, इसको डिस्कस करते हैं फिलहाल तो. ओके, अब थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करता हूँ, दिखाई दे रहा, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं. तो अब यहाँ पर बेसिकली आप डाल सकते हैं कोई भी कीवर्ड जो आपको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल कोई बताइए क्या सर्च करना चाहते हैं, वी विल पुट दैट एनीथिंग. ऑटोमेशन, चलो होम ऑटोमेशन करते हैं. डार्क कलर है उतने ज्यादा सर्च वहां पे हुए हैं, ठीक है. इससे क्या डिसाइड कर सकते हैं आप,
आप बिजनेस एक्सपेंशन सोच रहे हैं, कस्टमर बेस सोच रहे हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे आप एरिया डिसाइड करेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्तराखंड में इस चीज को. ओके दिस इज फॉर यू. ठीक है, ये छोटा सा रिसर्च है. इसके अंदर अभी अभी आप नेक्स्ट क्या कीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वगैरह भी आ जाएंगे. होम ऑटोमेशन सिस्टम ये भी एक्सप्लोर किया गया है. आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है, ऐड कीजिए यहाँ पे और भी कुछ डालिए, जैसे होम ऑटोमेशन सिस्टम था, ये कितने लोगों ने डाला है, सो यू कैन कंपेयर. ओके, तो रेड कलर में जो भी आएगा वो होम ऑटोमेशन सिस्टम का आएगा, और ब्लू कलर में तो ऑटोमेशन सिस्टम का सर्विस कम है एज कम्पेयर टू होम ऑटोमेशन. ओके, बट एट द सेम टाइम कीवर्ड पैनल खुल गया है, राइट. हाँ, तो यहाँ पर ये पुराना कीवर्ड है, हमें एक न्यू कीवर्ड डालना है. ठीक है, डालते हैं. हाँ, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि कॉम्पिटिशन किसका ज्यादा है, किसके लिए कितने लोग सर्विस दे रहे हैं. कीवर्ड के बारे में दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टेल, एक होते हैं लॉन्ग टेल. ओके, होम ऑटोमेशन इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड. शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का हमेशा कॉम्पिटिशन ज्यादा ही रहता है. लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे होंगे, होम ऑटोमेशन सर्विस इन खराड़ी, ये लॉन्ग टेल है. ओके, होम ऑटोमेशन सर्विस इन विश्रांतवाड़ी, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, इन पुणे भी एक शॉर्ट टेल ही है, क्योंकि इन पुणे में बहुत कॉम्पिटिशन हो जाएगा. ओके, जैसे गिफ्टिंग के बहुत कॉम्पिटिशन हो जाएंगे. ओके, तो शॉर्ट टेल कैसे है, आप डिटेल में स्पेसिफाई कीजिए, स्पेस भी स्पेसिफाई कीजिए, या फिर कस्टमर कौन है. ओके, फॉर किड्स, ओके, इन वागोली, ये होते हैं लॉन्ग टेल. ओके, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे. शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में कैसा होगा, हमारा सर्च में आएगा ही नहीं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आएगा.